हे जीनियस, वेलकम बैक टू दी क्लास। तो अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8, 9 एंड 10। ये तीनों इलस्ट्रेशन ट्रेडिशनल मॉडल से रिलेटेड है। आपको याद होगा ट्रेडिशनल मॉडल में हमने दो पढ़े थे, कौन कौन से? एक पहला ग्राम एंड डॉट मॉडल और दूसरा लिंटर्स मॉडल। तो पहला जो इलस्ट्रेशन है वो है हमारा ग्राम एंड डॉट मॉडल से रिलेटेड। चलो पढ़ते हैं। The earnings per share of a company is ₹30। तो सबसे पहले आपको अर्निंग गिवन है एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%। हम डिविडेंड कितना बांटेंगे? 60%। तो मुझे बताओ, जब अर्निंग है हमारी 30 और डिविडेंड पे आउट रेशियो है 60%, तो डिविडेंड एक्चुअल में हम बांटेंगे कितना? 6 × 3 = 18, दैट इज 18। ठीक, समझ में आया? सिंपल है, अर्निंग को इससे इंटू कर दिया और मल्टीप्लायर हमें गिवन है 2। डिटरमाइन द प्राइस पर शेयर एज ग्राम एंड डॉट मॉडल। तो हमें यहाँ पर प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू ग्राम एंड डॉट मॉडल। ग्राम एंड डॉट मॉडल क्या बोलता था? कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट देना है डिविडेंड को इंस्टीड ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक, ये पूरा ही मैंने फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझाया था कंप्लीट रिवीजन की वीडियो में। उम्मीद है आपने देखी होगी और अच्छे से इसे समझा होगा। अगर आपको इसमें अभी भी डाउट लग रहा है तो एक बार जाके फिर से कंप्लीट रिवीजन की लास्ट में पढ़ लेना ट्रेडिशनल मॉडल। ठीक, फॉर्मूला क्या था? पी कॉस टू एम, एम फॉर मल्टीप्लायर, डी डिविडेंड, ई अर्निंग डिवाइड बाय 3। तो वैल्यूज पुट करनी है बस। मल्टीप्लायर अपन को गिवन है 2, डिविडेंड अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया था 30 अर्निंग है, 60% डिविडेंड पे कर रहे हैं यानी कि 18 रुपीज़। अर्निंग अपन को गिवन है 30 और 3 से डिवाइड कर दिया। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होती है, सब चीज़ें आपको गिवन होती है, आपको बस वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना और कैलकुलेट करना है। तो देखो ये आ गया 10, 28, ये आ गया 56 यानी कि 56 रुपीज़। इसको कैलसी पर कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना ईजी क्वेश्चन आता है। तो बस आपको अगर फॉर्मूला याद है ग्राम एंड डॉट मॉडल का तो आप इसे इजीली क्रैक पर करेंगे और आपके मार्क्स आउट ऑफ आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पहुँचते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इक्विटी शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड इज गिवन। एम लिमिटेड के इक्विटी शेयर से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जैसे कि सबसे पहले उनकी मार्केट प्राइस गिवन है 58.33, डिविडेंड पर शेयर गिवन है 5, मल्टीप्लायर गिवन है 7। अकॉर्डिंग टू ग्राम एंड डॉट अप्रोच टू द डिविडेंड पॉलिसी कंप्यूट द EPS। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो रिलेटेड है वो ग्राम एंड डॉट मॉडल से रिलेटेड है। और यहाँ पर ध्यान देना, ग्राम एंड डॉट मॉडल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? प्राइस। लेकिन उन्होंने यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी दे रखा है, डिविडेंड भी दे रखा है और मल्टीप्लायर। क्या नहीं दे रखा? वो नहीं दे रखा है अर्निंग यानी कि EPS। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है और कैलकुलेशन में आपका EPS आ जाएगा। आओ फटाफट करते हैं। फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने, प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है 58.33, मल्टीप्लायर 7, डिविडेंड 5, अर्निंग अपन को कैलकुलेट करनी है और ये आ गया 3। यहाँ पर LCM लेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15 प्लस ई डिवाइड बाय 3। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, ये यहाँ पर डिवाइड में है तो ये यहाँ पर इनटू में चली जाएगी यानी कि 58.33 × 3, और ये यहाँ पर इनटू में है तो यहाँ पर क्या चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। और इधर अपना बचा 15 प्लस EPS। ठीक, 58.33 × 3 डिवाइड बाय 7, ये आ गया 24.99। इधर ये आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा 15, तो ये आ गया अपना EPS। सिंपल मैथमेटिक्स है, 24.99 में से माइनस करेंगे 15, ये आ गया 9.99, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली आ गया 10। ठीक, 9.9 और 10 इस तरीके से लिखे आना, आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? पहले अपने सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करा, उसके बाद LCM लिया। अब ये यहाँ पर इनटू में था तो इधर डिवाइड में चला गया, ये यहाँ पर डिवाइड में था तो यहाँ पर इनटू में चला गया। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करी और
डिविडेंड यानी कि 15 में से माइनस कर दिया और आ गया। ठीक है, सिंपल थे दोनों, दोनों थे हमारे ग्रेम एंड डॉट मॉडल से। एक में हमें प्राइस कैलकुलेट करनी थी तो सिंपल कैलकुलेशन थी, दूसरे में हमें प्राइस दे रखी थी EPS कैलकुलेट करना था तो थोड़ी सी कैलकुलेशन एक्स्ट्रा थी। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है और एज इट इज़ आते हैं, मतलब इसमें कोई ज़्यादा आपको घुमाएगा नहीं, सीधे सीधे चीज़ें दे देगा, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, तो ग्राम एंड डॉट का हो गया। अब अपन चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर। ये है लिंटर्स मॉडल, यानी कि ट्रेडिशनल मॉडल का जो सेकेंड वाला था लिंटर्स मॉडल, उससे रिलेटेड पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। गिवन दी लास्ट ईयर्स डिविडेंड इज 9.80, मुझे बताओ ये क्या दे रखा है, D0 या D1? अब तक मुझे लगता है आप लोग पहचानने लग गए होंगे, ये दे रखा है D0, क्योंकि ये क्या है, लास्ट ईयर का डिविडेंड, ये डिविडेंड हम दे चुके हैं। स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट ये हमें दे रखी है 45%, टारगेट पे आउट रेशियो 60%, EPS करंट ईयर का 20, और लास्ट में बताया है कैलकुलेट करंट ईयर डिविडेंड। आपको करंट ईयर का डिविडेंड कैलकुलेट करना है यूजिंग लिंटर्स मॉडल। ध्यान रखना लिंटर्स मॉडल मैंने पहले भी बताया है, ये प्राइस नहीं कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताता, ये करंट ईयर्स का डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताता है। क्या फॉर्मूला था, D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर, और या फिर इसका दूसरा नाम है स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट। और ये दोनों ही फॉर्मूले याद होगा मैंने यहाँ पर लिखाए थे और इसके दोनों ही नाम दे रखे थे। ठीक, तो अभी क्वेश्चन में जो नाम है वो क्या है, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, और बोल सकते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। D0 अपन को गिवन है क्वेश्चन में 9.80 प्लस EPS गिवन था 20, उसमें से हमें पे आउट कितना करना है 60%, माइनस D0 9.80, और स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट यानी कि एडजस्टमेंट फैक्टर अपन को गिवन है, कहाँ गया, 45%, 0.45। ठीक, सब चीज़ें गिवन है, इजीली है कैलकुलेट करना। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें ट्रेडिशनल मॉडल तो इतना सिंपल आता है एग्ज़ाम में, सारी वैल्यूज़ दे दी होती है, बस आपको पुट करनी है। ठीक है, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट जानना है तो अगेन मैंने आपसे कहा था आप कंप्लीट रिवीजन वीडियो में एक बार और जाएं और इन दोनों के कंसेप्ट अच्छे से देखें, बहुत मेहनत लगी थी उसमें बनाने में, बहुत अच्छे से कंसेप्ट बताया मैंने, फटाफट से कैलकुलेट करें। 20 का 60%, ये तो 12 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, माइनस 9.80 45, तो 12 माइनस 9.80 ये आ गया 2.2 इंटू 0.45 ये आ गया 0.99, तो हमें कितने से बढ़ा देना चाहिए, 0.99 से डिविडेंड बढ़ा देना चाहिए, यानी कि पहले दिया था हमने 9.80 तो अब अपन देंगे आगे हो जाए भाई 10.79 का डिविडेंड, यही मैंने आपको बताया था। ठीक है, आगे समझ में।